जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। कमेंट्स में आप अपने इष्ट देव का नाम लिख सकते हैं और जो भी आपके मन में विचार हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं पूर्व जन्म के ऊपर। बहुत से लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि क्या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, इन सभी को किस चीज़ से हमें देखना चाहिए। हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का आभास किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन पूर्व जन्म जरूर होता है। कई सारी ऐसी भ्रांतियां मिली है, कई सारे ऐसे केस सुनने में आए हैं कि वो व्यक्ति फिर से जन्म लेता है और वो हूबहू जो घटना हुई है उस चीज़ का वो बखान या उस चीज़ को बता देता है। पूर्व जन्म पे बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, साइंस अलग बात कहता है, लोगों की मान्यता अलग है, बहुत से लोग इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। सबकी अपनी अलग अलग बात है, लेकिन आपको क्या महसूस होता है उन चीज़ों को हम इस पर बात भी करेंगे। आपको कभी कभी ऐसा लगता है, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे हम पहले मिल चुके हैं, ये जो घटित हमारे आंखों के सामने जो दृश्य चल रहा है इसे हम पहले भी देख चुके हैं। एक आभास है उन चीजों का। दूसरी बार सिक्स सेंस, कई बार हमें ये पता लग जाता है कि इस तरह की घटना होने की संभावना हमारे साथ है। बहुत से लोग इस चीज को महसूस करते हैं, जो जो महसूस करते हैं जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि हाँ हम ये महसूस करते हैं। तीसरी बात होती है कि हमें एक फोबिया और डर होता है किसी चीज़ से। जैसे किसी व्यक्ति को मकड़ी से डर लग जाता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो हमारी उन जन्म की जो स्मृतियाँ होती हैं उन स्मृतियों की वजह से ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है और उनमें जो बातें होती हैं उन चीज़ों का व्यक्ति को एक आंशिक भाव याद रहता है, किसी को बहुत कुछ बातें याद रहती हैं। तो अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का हमें लाभ लेना है कि अगर इस तरह का भाव हमारे मन में है, आपको आभास हो जाता है चीज़ों का, आपका मन, आपका सिक्स सेंस जाग जाता है उस चीज़ के लिए जो बात कह रहा है कि जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें हमारा मन और हमारा जो सिक्स सेंस है वो ये बात कह रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए या इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए, तो उन चीज़ों का आप उपयोग में लें। अगर आप उन्हें उपयोग में लेंगे तो कई बार आपको फ़ायदा भी होगा। तो सिक्स सेंस का काम लेना है। दूसरी बात है कि जो एक फोबिया होता है, डर होता है, हमें जिन चीज़ों से डर है उस डर को भी आप निकालें, क्योंकि डर अच्छी बात नहीं किसी भी चीज़ का हो। वो मानता माना कि वो हमारे एक जन्म के एक डर हो सकता है, उन चीज़ों से तकलीफें हो सकती हैं, पर उसे मन से बाहर निकालें। जो पूर्व जन्म है उसके बारे में आप बहुत कुछ चीज़ें जान गए होंगे दोस्तों, कि इसका ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं ये हमारे जीवन से रिलेटेड होती है। कई बार हमें वो सपने दिखाई देते हैं जो सपने हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जिस व्यक्ति से हम कभी मिले भी नहीं हो उसे हम सपने में देखेंगे, क्योंकि सपनों का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो हमारे आंशिक दिमाग है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है वही चीज़ें हमें सपने में दिखाई देती है, उससे बाहर नहीं दिखाई देता। लेकिन कई बार नई नई चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। और अगर आप ज़्यादा नहीं समझना चाहें तो उन चीज़ों पर इतना ध्यान भी ना दें, उसे सामान्य से छोड़ दें। अगर आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, अगर आप उसे हताश या दुखी होते हैं तो उसे छोड़ दें। चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।